अगले 10 सालों तक आपके घर में एक भी कॉकरोच दिखाई नहीं देगा इस रेमेडी को इस्तेमाल करने के बाद। अगर आपके घर में भी बहुत ज़्यादा कॉकरोच हो गए हैं, हर जगह घूमते हैं, धुले हुए बर्तनों को गंदा करते हैं, खाने पीने की चीज़ों में जाते हैं और आप इन्हें हमेशा के लिए ख़त्म करने की सोच रहे हैं, तो आज की एक खास वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस रेमेडी का इस्तेमाल जितने भी लोगों ने किया है उनके घर से कॉकरोच बिल्कुल गायब हो गए हैं, तो ये रेमेडी आपके लिए भी बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। बहुत सारे लोग अपने घर से कॉकरोच को भगाने के लिए कितना कुछ करते हैं, महंगे स्प्रे लेकर आते हैं, दवाइयाँ लेकर आते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कॉकरोच फिर से घर में हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसी ज़बरदस्त रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करने के बाद अगले 10 सालों तक आपके घर में एक भी कॉकरोच नज़र नहीं आएगा। ये रेमेडी इतनी ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन इस रेमेडी को बनाना किस तरीके से है और लगाना किस तरीके से है ताकि 10 सालों तक आपके घर में एक भी कॉकरोच फिर से ना आए, इसको ध्यान से देखना है। तो चलिए सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में आगे बताई हैं, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको लेना है एक बर्तन और इसमें आपको डालना है 2 से 3 बड़े चम्मच आटा। हम जो घर में गेहूं का आटा यूज़ करते हैं ना, इसी आटे का आपको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा चाहे तो आप कोई और आटा भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपको कॉकरोचेस को अपने घर से बाहर निकालना है तो गेहूं के ही आटे का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 2 से 3 बड़े चम्मच गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कॉकरोच को आपके घर से भगाने के लिए, तो यहाँ पर उसके लिए आपको लेना है बोरिक पाउडर। बोरिक पाउडर आपको बहुत आसानी से किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, आप वहां से इसे परचेज कर सकते हैं और अपने घर से कॉकरोचेस को हमेशा के लिए भगा सकते हैं। ये बहुत ही असरदार होता है कॉकरोच को आपके घर से भगाने के लिए। इसका इस्तेमाल करने के बाद आपके घर से कॉकरोच गायब भी हो जाते हैं और फिर दोबारा नहीं होते, तो आप इसका इस्तेमाल करके अपने घर से कॉकरोचेस को हमेशा के लिए भगा सकते हैं। कई बार हम जो मार्केट से चीज़ें लेकर आते हैं कॉकरोच को भगाने के लिए, जितने भी पेस्टिसाइड हैं या स्प्रे हैं, जितनी भी दवाइयां हैं, वो हम अपने घर में यूज़ ज़रूर करते हैं, लेकिन वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। कई बार घर में छोटे बच्चे होते हैं तो वो उस चीज़ को खा लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर कुछ घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करके और कुछ बातों का ध्यान रख के अपने घर से कॉकरोच को हमेशा के लिए भगा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर अभी 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया है, गेहूं का आटा और बोरिक पाउडर। इन दोनों चीजों को आपको अच्छे तरीके से मिला लेना है। अब यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना है पानी का। ध्यान रखिएगा पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं रखनी है, बहुत ही कम मात्रा में आपको पानी लेना है और इसका एक पतला स्मूथ सा बैटर आपको तैयार करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से। इन दोनों चीजों को अच्छी तरीके से आपको मिला लेना है। अब इसे लगाने के 2 तरीके हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान से देखने चाहिए, जिससे कि आपके घर में बिल्कुल भी कॉकरोच नहीं होंगे। जिन लोगों के घर में थोड़े बहुत कॉकरोच हैं, कभी कभी दिखते हैं, तो वहाँ पे आपको इस तरीके का इस्तेमाल करना है। आपको क्या करना है, आपको लेना है कोई भी न्यूज़पेपर या घर का कोई भी रद्दी पेपर और छोटे छोटे टुकड़ों में इनको काट लेना है। ये वाली ट्रिक उन लोगों के लिए है जिनके घर में कॉकरोच बहुत कम है, नाम मात्र के बराबर हैं, कभी कभी दिख जाते हैं, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए ये वाला काम उनको करना है। तो यहाँ पर आपको किसी भी पेपर के छोटे छोटे टुकड़े बना लेने हैं और यहाँ पर ये जो पेस्ट हमने तैयार किया है, थोड़ा थोड़ा पेस्ट आपको सारे पेपर में रख देना है। अब इन पेपर को उठा के आपको अपने घर के हर उस कॉर्नर में रखना है जहां पर भी कॉकरोच आपको अक्सर घूमते हुए दिखाई देते हैं। वो आपका किचन एरिया हो सकता है, सिंक एरिया हो सकता है, वॉश बेसन हो सकता है, या आपका ड्राइंग रूम हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, ऐसी कोई भी जगह जहां पर आपको अक्सर कॉकरोचेस दिख जाते हैं, तो वहां पर आपको ये सारी चीजें रख देनी है। इससे होगा ये, जब भी कॉकरोचेस बाहर निकलेंगे तो हमने जो यहाँ पे आटे का इस्तेमाल किया है, आटे की तरफ कॉकरोचेस बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और जैसे ही वो इसे खाने के लिए आएंगे तो इसमें मिला हुआ बोरिक पाउडर जैसे ही उनकी बॉडी में जाता है तो वो रिएक्ट करता है, जिससे कि वो फौरन मर जाते हैं या फिर भाग जाते हैं। तो ये वाला तरीका उन लोगों के लिए है जिनके घर में कभी कभी कॉकरोच दिखते हैं, बहुत कम होते हैं। अब दूसरा ट्रिक, जिन लोगों के घर में बहुत ज़्यादा कॉकरोचेस हैं, किचन एरिया में सबसे ज़्यादा हैं, फ्रिज में बहुत ज़्यादा कॉकरोचेस रहते हैं या खाने पीने की चीज़ों में घूमते रहते हैं, तो यहाँ पर ये वाली ट्रिक उन लोगों के लिए है। आपको क्या करना है, कोई भी ऐसी कॉटन बर्ड ले लीजिए और यहाँ पर इस पेस्ट का इस्तेमाल करिए। कॉटन बर्ड को इस तरीके से पेस्ट में आपको डिप करना है और अपने किचन के, घर के, फ्रिज के हर उस कॉर्नर में आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर इसको लगा देना है, जिससे कि घर में जितने भी छुपे हुए कॉकरोच
कॉकरोचेज़ हैं, अगर किचन एरिया में ज़्यादा कॉकरोचेज़ रहते हैं, गैस स्टोव के आसपास छिपे रहते हैं, या आपके सिंक एरिया में ज़्यादा कॉकरोचेज़ हैं, अगर आपके घर में कैबिनेट्स बने हुए हैं, किचन एरिया में रैक वगैरह हैं, तो वहाँ पर आपको इसी कॉटन बर्ड की मदद से इस तरीके से आपको हर जगह थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा देना है, जिससे कि जितने भी छुपे हुए कॉकरोचेज़ हैं वो बाहर निकलेंगे और इसे खा के या तो फ़ौरन मर जाएंगे या फिर आपके घर से बिल्कुल भाग जाएंगे। तो ये दो तरीके हैं, इनका इस्तेमाल आप इसी तरीके से करिएगा जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो आपके घर से कुछ ही दिनों के अंदर बिल्कुल कॉकरोच गायब हो जाएंगे और दिखाई तक नहीं देंगे, और आने वाले 10 सालों तक एक भी कॉकरोच आपके घर में दिखाई नहीं देगा। तो ये वाली रेमेडी बहुत ही ज़्यादा खास है, तो ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है आपके घर से कॉकरोचेस को भगाने के लिए। इस रेमेडी का इस्तेमाल करने के बाद आपके घर में एक भी कॉकरोच नहीं दिखाई देगा। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपके घर से कॉकरोच बिल्कुल गायब हो गए हैं और दिखाई देना बंद हो गए हैं। अब आपको कुछ ज़रूरी चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो साफ़ सफाई का, कि जब भी आप किचन में खाना वाना बनाते हैं अपने किचन को बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन करके ही आइए। उसके बाद दोस्तों आपको टाइम टू टाइम इसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए आपको यहाँ पे इस तरीके से जैसे मैंने आपको वीडियो में आगे दिखाया था, आपको इसी तरीके से अपने घर के हर उस कॉर्नर में, आपको किचन में या फिर आपके ड्राॅइंग रूम में या फिर कैबिनेट्स में जहाँ पर भी कॉकरोचेज अक्सर आपको दिखते थे, तो वहां पे आपको इस पेस्ट को बनाकर लगाते रहना है। एक महीने में आप एक बार इस पेस्ट को लगा लीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर आपके घर में कॉकरोचेस बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि अक्सर जाने अनजाने कॉकरोचेस हमारे घर में हो जाते हैं। कई बार सफाई उतनी अच्छे से नहीं हो पाती है या फिर हमारा जो सिंक एरिया है इसमें से भी रात के टाइम पे कई बार कॉकरोचेस निकलते हैं, तो यहाँ पे आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करिए। कॉकरोचेस आपके घर से खत्म भी हो जाते हैं उसके बाद भी आपको महीने में एक बार कम से कम इस पेस्ट को बनाकर अपने घर के किचन के और फ्रिज के हर कॉर्नर में इसको लगा दीजिए, जिससे कि अगर कोई कॉकरोचेज आपके घर में आता भी है तो इस रेमेडी को खाने के बाद वो फौरन आपके घर से भाग जाएगा या मर जाएगा, जिससे कि आपके घर में कभी भी कॉकरोचेज नहीं होंगे। तो ये वाली रेमेडी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है सभी लोगों के लिए जो कि अपने घर में कॉकरोच से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वीडियो को हमेशा की तरह लाइक करिएगा और चैनल पर जितने भी लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप इस वीडियो को इस वक्त दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चल सके मेरी वीडियो लोगों को कहां कहां तक पसंद आ रही है। जल्दी मिलूंगी आपसे फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।